आज हम Adobe Premiere Pro 2022 में सीखेंगे 3D Extruded Text Effect। यही इफेक्ट आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। अगरचे Adobe Premiere Pro 3D सॉफ्टवेयर नहीं है, लेकिन हम ड्रॉप शेडो इफेक्ट के जरिए से ऐसा शेडो ऑफ डाउट डालेंगे कि आम सा टाइटल इफेक्ट 3D टेक्स्ट इफेक्ट बन जाएगा। सो लेट्स डाइव इन। सबसे पहले हम कोई बैकग्राउंड बना लेते हैं, बैकग्राउंड को बना लेते हैं। और बैकग्राउंड बनाने के लिए Adobe Premiere Pro में हमें जाना पड़ेगा प्रोजेक्ट बिन, और प्रोजेक्ट बिन में हम जाएंगे यहाँ पे न्यू आइटम पे, और न्यू आइटम में से हम लेंगे कलर मैट। ये सीक्वेंस खुद ही बना देता है, और यहाँ पे हम इसका कलर कोई भी कलर चूज़ कर सकते हैं। हम इसको ग्रेइश रख लेते हैं, एंड दैट्स इट। ये हमारा कलर मैट बन के प्रोजेक्ट बिन में आ गया, और वहाँ से हमने इसको ले आना है टाइमलाइन में, और ये हमारा बैकग्राउंड बन गया है, बैकग्राउंड क्रिएट हो गया। अब हम इस पे लिख लेते हैं टेक्स्ट। हम लिखते हैं इस पे 3D। अब हम इसको सेंट्रल ग्राफिक पैनल से जल्दी से तैयार कर लेते हैं। फॉन्ट हम रखते हैं फ्यूचरा ब्लैक। इसके हम अब कलर को रेड कर लेते हैं, ब्राइट रेड कर लेते हैं। अब हम इफेक्ट्स में जाके इस पे एक ही इफेक्ट अप्लाई करेंगे, और वो है ड्रॉप शेडो। इस ड्रॉप शेडो इफेक्ट को हम अपने टेक्स्ट पे अप्लाई कर देते हैं। अब हम जाएंगे सीधा इफेक्ट्स कंट्रोल में। ये आ गई हैं ड्रॉप शेडो की प्रॉपर्टीज। ओपेसिटी को हम रख देंगे 100। यहाँ पे अगर आप टेक्स्ट का शेडो को चेंज करना चाहें, शेडो कलर को, तो आप चेंज कर सकते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक, अपनी मर्जी के अनुसार। और डायरेक्शन को हम कर देंगे 125। डिस्टेंस पे हम यहाँ पे अब एनिमेशन लगाएंगे, और इसमें हम इसको एनिमेशन को स्टार्ट करेंगे 0 से, और इसको ले जाएंगे थोड़ा आगे जाके 2 पे, 0 से 2 तक की हम ये एनिमेशन लगाएंगे, 0 से स्टार्ट करके 2 तक। इसके बाद हमने कॉपी पेस्ट करना है सिर्फ। ये ड्रॉप शेडो को यहाँ पे कंट्रोल सी से हम कॉपी करेंगे, और यहीं पे कंट्रोल वी कर देंगे। ये नीचे आ गया ड्रॉप शेडो, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी। अब यहाँ पे इस की सिर्फ इस प्रॉपर्टी को, यानी डिस्टेंस की इस प्रॉपर्टी को हम पहले ऊपर 2 था, तो हम यहाँ पे डबल कर देंगे, यानी 4। और फिर हम इसी को दोबारा कॉपी पेस्ट कर लेंगे इसी इफेक्ट को। ये देखें, ये तीसरी दफ़ा आ गया, पहले 2, उसके बाद 4, 4, 2, 4, और यहाँ पे अब आके हम इसको कर देंगे, फिर डबल कर देंगे 8। अब हम इसको कर देंगे 8। हम इस कंट्रोल वी से दोबारा एक कॉपी और लेंगे, इसको 2, 4, 8। दूसरी को हम 8 के बाद अगली को हम कर देंगे 16, और फिर एक कॉपी और ले लेते हैं। जितनी भी आप कापियाँ लेना चाहें आप ले सकते हैं, उतना ही ये 3D मज़ीद बढ़ता जाएगा। इसको हम कर लेते हैं 32, और इतना काफ़ी है। तो ये हमने कापियाँ ले ली। अब ये देखें 3D इफ़ेक्ट क्रिएट हो चुका है। अब इसको हम एक सिंपल स्केल की एनिमेशन इसके पास जाके लगा देते हैं। हम सबसे ऊपर जाते हैं, यहाँ पर स्केल की सिंपल एनिमेशन हम लगा देंगे 100 से। इसको हम इतना बड़ा करना चाहें हम कर देते हैं। ये सिंपल स्केल की एनिमेशन लग चुकी है, एंड ईज इन और ईज आउट कर देते हैं, ईज आउट पहले और ईज इन बाद में। ये देखें आपकी प्यारी सी 3D एनिमेशन
तैयार हो चुकी है, 3D टेक्स्ट हमारा बन चुका है। इसी प्लेलिस्ट में स्किल के ओर की इसी प्लेलिस्ट में आपको हर किस्म की टेक्स्ट एनिमेशंस, टाइटल एनिमेशन मिल जाएंगी। अगर आपको उनकी ज़रूरत ना भी हो तो फिर भी ये टेक्स्ट एनिमेशन, टाइटल एनिमेशन आपके बहुत फ़ायदे में है, फ़ायदे की हैं। उसकी वजह ये है कि इन टेक्स्ट एनिमेशन, टाइटल एनिमेशन के अंदर जो इफ़ेक्ट सिखाए गए हैं उन्हें आप किसी भी क्रिएटिव तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। द पॉसिबिलिटीज आर एंडलेस। सो मिलते हैं टेक्स्ट एनिमेशन, टाइटल एनिमेशन की नई वीडियो में।